आज हम बात करेंगे सीरियल गुड्डन की। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सीरियल में टसन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुड्डन एजे की बोतल को छीनने के चक्कर में खुद को चोटिल कर लेती है। एजे तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर एजे से कहता है कि तुमने वक्त रहते मुझे नहीं बुलाया होता तो कुछ भी हो सकता था। गुड्डन को अभी होश नहीं आया है, लेकिन गुड्डन अब डेंजर जोन से बाहर आ गई है। रेवती जब अपनी दी की ऐसी हालत देखती है तो वह बहुत दुखी होती है, तो वह इसका जिम्मेदार एजे को ठहराती है। रेवती एजे का कॉलर तक पकड़ लेती है और एजे से कहती है कि अगर मेरी दी को कुछ भी हुआ ना तो इसके जिम्मेदार केवल तुम होगे। एजे वहां से चुपचाप चला जाता है। एजे देखता है कि जहां शराब की एक भी बोतल नहीं थी वहां शराब ही शराब थी। गुड्डन ने शूटिंग के दौरान उन्हें गायब करवा दिया था, लेकिन वह जगह आज पूरी तरह शराब की बोतलों से भरी पड़ी थी। जब वह ये देखता है तो वह शॉक्ड रह जाता है। तभी अंतरा आती है और वह कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये खास इंतजाम किया है, मुझे मालूम है कि तुम शराब के बिना नहीं रह सकती। एजे को इतना गुस्सा आता है कि वह उन शराब की बोतलों को सभी को फोड़ देता है। एजे कहता है कि इस शराब की वजह से मेरी गुड्डन आज इस हालत में है, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। दोस्तों आगे देखते हैं सीरियल में और क्या ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे। सीरियल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, आज हम बात करेंगे।